और आप सभी का स्वागत करते हैं इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर पार्ट ऑफ एन अकेडमी। जैसा कि आपको पता है, एसएससी हीरोज की टीम आपके लिए जुड़ चुकी है और वो भी एक साथ। और आपको हम ये बता देना चाहते हैं कि जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो इस साल, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, एसएससी तो है ही, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, उन सभी की परफेक्ट तैयारी के लिए फाउंडेशन कोर्स आ गए हैं सबके, जिसमें बिल्कुल डिटेल से पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाया जाएगा। 2020 में एग्जाम होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है, हो सकता है कि कोई एग्जाम नहीं बने, ठीक है ना, हो सकता है कि कोई भी एग्जाम ना हो और कोई भी एग्जाम ना हो पाए। हाँ ठीक है ना, तो यही मैं कहना चाहूंगा कि आप इस बैच से जुड़कर एक परफेक्ट तैयारी कर सकते हैं। क्यों भुने सर? बिल्कुल राइस, जैसा कि साइंस सर ने बताया आपको, बिल्कुल जरूरी है कि आप अपने मैथ, आपके रीजनिंग, आपके इंग्लिश और आपके जीएस बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करो और उसको एक अच्छे लेवल तक लेके जाओ, ताकि आपका एसएससी का कोई भी एग्जाम 4 महीने बाद जब होना स्टार्ट होएगा, या फिर 6 महीने बाद में, 8 महीने बाद में, कभी भी जब भी आपका पेपर होना, तो आप उसके अंदर जबरदस्त नंबर है जो कि स्कोर कर सके। अब उसके लिए जरूरी है कि कोई फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करना, जहां पे आपको जीरो से सब कुछ पढ़ाया जा रहा हो, जहां पे आपको ये बताया जाए कि भाई बांग्लादेश की कैपिटल ये है, जी बिल्कुल, बिल्कुल जीरो से, इस देश की करेंसी ये वाली है, जो बिल्कुल बेसिक चीज होती है, जो बेसिक टॉपिक्स होते हैं, वहां से अपन जब शुरुआत करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे ऊपर जाते जाते फिर ज्योग्राफी, पॉलिटी, मैथ के अंदर भी ऐसे ही, नाउन आपने इंग्लिश में स्टार्ट किया, तो बिल्कुल जब तक बेसिक से स्टार्ट नहीं करोगे, तब तक चीजें आपको ऐसे फायदा नहीं मिलेगा जैसा कि आपको सच में मिलना चाहिए किसी भी एग्जाम की तैयारी को लेकर। बिल्कुल हाँ, तो उसी को सर, लेकर आप लोगों के बिल्कुल लिए फाउंडेशन बैच है जो कि आप लोगों के लिए लॉन्च किया गया है। इस फाउंडेशन बैच का फायदा यह है दोस्तों कि हर एक चीज आपको बेसिक से पढ़ाई जा रही है, जीरो से पढ़ाई जा रही है, और आप एसएससी के पूरे एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं मात्र मात्र 450 रुपये पर मंथ के अंदर, जी जिससे बिल्कुल, मेरे को लगता है कि हाँ और इससे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता है बुने सर। ये सबसे एक बेस्ट ऑप्शन भी है और अपॉर्चुनिटी भी है। इसको एज ए ऑप्शन ना कह के अपॉर्चुनिटी मानिएगा। और बिल्कुल बिल्कुल ये सही है, कभी भी आप इस तरीके से तुलना ना करो कि ये एसएससी कैटेगरी में आ रहा है तो एसएससी का बैच है, ऐसा नहीं है। ऐसा आप बात इस नहीं है, बैच के माध्यम से यूपीएससी का प्री भी क्लियर कर सकते हैं। इतनी अच्छी आपको सारी जीके आपको भुवनेश्वर सर पढ़ाने वाले हैं। यूपीएससी में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है, उतना ही आता है, और उससे कई अच्छा लेवल लेके मैं आपको लेके चलूंगा, तो बेस्ट कंटेंट होने वाला है। तो मैं ये कहूंगा कि ना केवल आप एसएससी को फोकस करें, एज वेल एज साथ के साथ जितने भी आपके एग्जाम्स हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, जैसे कि आपके एयरफोर्स हो गया, एक्स वाई ग्रुप हो गया, जिस भी आप जिसमें भी आपका ये सिलेबस आता है, उसमें आप तैयारी कर सकते हैं। तो संदीप सर, मैं सीधा चलना चाहूंगा कि कैसे ये फाउंडेशन कोर्स के साथ जुड़ेंगे, आप इन स्टूडेंट्स को बताइएगा सर। बिल्कुल सर। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर होती है, बच्चे लोग के सामने यहाँ पे स्क्रीन आ रही है। बच्चों देखो, आप एक बार इसको ध्यान से देख लीजिएगा। जैसा कि एसएससी हीरोज का 2020 का मोस्ट अवेटेड बैच आप सभी के लिए आ चुका है, काफी टाइम से आप सभी को इंतजार था। साल में एक ही बैच एसएससी हीरोज लेकर आती है, या मैक्सिमम दो बैचेस, न्यू बैचेस, जो आप सभी लोगों के लिए कंप्लीट बैच होता है, हर एक सब्जेक्ट के, यानी ऑल सब्जेक्ट्स के लिए है। ये कंप्लीट बैच है जो बिल्कुल बेसिक से शुरू होगा, और इंडिया में हर एक बच्चा इस बैच के फैकल्टीज से पढ़कर सिलेक्शन अभी तक लेता आया है, तो आप लोगों के लिए भी ये अपॉर्चुनिटी है। इस बैच में टोटल 4 फैकल्टीज आपको दिख रहे हैं, जिसमें सबसे पहले जीके जीएस एक्सपर्ट भुनेश सर, मैथ्स एक्सपर्ट साहिल सर, रीजनिंग एक्सपर्ट दीपक सर, और इंग्लिश एक्सपर्ट संदीप सर। ये 4 फैकल्टीज आपको आपके एसएससी हीरोज बैच में मिलने वाली है। इनके अलावा जब आप इस बैच को ज्वाइन करते हो, तो इनके अलावा भी अगर आप कोई और फैकल्टी से पढ़ना चाहोगे, तो आपको वो फैकल्टीज भी अवेलेबल हो जाती है इस बैच को ज्वाइन करने के बाद, रेफरल कोड वाईफाई एसएससी लगा के। अब इस बैच में एक सबसे बढ़िया चीज ये है कि आप एसएससी का ये सब्सक्रिप्शन एसएससी के किसी भी एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में काम करेगा। दैट मीन्स अगर आप सीजीएल के प्रिपरेशन करते हो, तो सीजीएल है, सीपीयू है, सीएचएसएल है, एमटीएस है, जेई, जीडी, फेजेड, स्टेनोग्राफर, कोई भी एग्जाम है, आपके एसएससी का कोई भी एग्जाम है, हर एक एग्जामिनेशन में आपको सिलेक्शन दिलाने वाला है ये बैच। हर एक एग्जाम के हर एक सब्जेक्ट का है, और वो भी उसके प्री टू मेंस का। इन सारी चीजों के प्रिपरेशन मात्र 450 रुपीज पर मंथ के अकॉर्डिंग बच्चा अगर पे करता है, तो यहाँ पर वो 12 महीने के अंदर यहाँ पर अपनी एक सीट कंफर्म कर लेता है अपने सेलेक्टेड गोल के अकॉर्डिंग।
सो ये 450 रुपीज, 450 रुपए चारों फैकल्टी से, इवन उससे भी ज्यादा है, जितने भी अकेडमी पे एजुकेटर्स है उन सभी से पढ़ने के लिए 450 रुपए, मात्र 450 रुपए पर मंथ पे करना एक बहुत ही छोटा अमाउंट है लेकिन बहुत ही बड़ी अचीवमेंट के लिए। तो आइए सर देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में स्टूडेंट्स के लिए क्या है। इसमें आप देख सकते हैं कि साहिल सर आपको पूरी की पूरी मैथ्स पढ़ाने वाले हैं, उसको इन्होंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है और ये बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट होगी। जी हाँ, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट होगी और आपको एक एक कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे जिसमें सारी थ्योरी होगी, हर एक चीज होगा। इस बैच की कुछ खास बात है, जैसे आपको सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग एंड जीके जीएस। उसके बाद दूसरा क्लास का जो लेवल होगा वो प्री टू मेंस, क्लास का लेवल जीरो से एडवांस लेवल का होगा, प्री और मेंस दोनों के लिए। डाउट सेशन रखा गया है हर 3 क्लास के बाद, सो दैट किसी भी बच्चे को घर पे प्रैक्टिस के बाद जब दिक्कत हो तो डाउट्स पूछने के लिए परेशान ना होना पड़े। पीडीएफ हर एक सेशन की बैलिंगुअल उसको मिलेगी, क्वेश्चंस लीडर बोर्ड के थ्रू पढ़ाए जाएंगे जिससे वो अपने आप को पता कर पाएगा कि पूरे इंडिया के स्टूडेंट्स के बीच में कंपटीशन में वो कहां पे स्टैंड करता है, इसमें उसको पता चल पाएगा। स्पीड टेस्ट आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ये इंक्लूडेड है। प्रैक्टिस सेशन हर एक टॉपिक का कराया जाएगा, प्रीवियस ईयर के सेट का डिस्कशन और साथ ही साथ न्यू पैटर्न के क्वेश्चन का भी डिस्कशन होगा। तो ये रहे टॉप 9 पॉइंट जो इस पर्टिकुलर बैच की आपके लिए बड़ी खास चीज है। अब जीके जीएस पार्ट की अगर हम बात करें तो बुरे सर आपको सारा का सारा जीके जीएस पार्ट यहाँ पे कवर करने वाले, वो स्टैटिक जीके, करंट अफेयर एंड जितना भी जीएस का पोर्शन है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड साइंस, पूरा का पूरा पार्ट यहाँ पे कवर करने वाले हैं। वहीं पर दूसरे नेक्स्ट पार्ट पे आता है आपका, अगला स्लाइड कीजिए सर, नेक्स्ट स्लाइड देखिए यहाँ पर, नेक्स्ट स्लाइड इंग्लिश। इंग्लिश पार्ट पे मैं आपको पूरी की पूरी इंग्लिश पढ़ाने वाला हूँ। अभी मैंने शुरू किया है नाउन और एक टॉपिक, नाउन को मैंने टोटल 9 क्लासेस पढ़ानी है। सोचिए 9 क्लासेस, एक टॉपिक 9 क्लासेस पढ़ाई है, ठीक है, ऐसे ही हर एक टॉपिक को पढ़ाएंगे क्योंकि फाउंडेशन बैच है। तो इस फाउंडेशन बैच की सबसे खास बात यह है कि बच्चे का कोई भी सवाल नहीं रहेगा, उसका कंफ्यूजन वाली चीज या कोई भी टाइप का क्वेश्चन किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच से आएगा, हर बच्चा एबल होगा उन क्वेश्चंस को करने में। तो इस प्रकार से पूरे के पूरे एसएससी के सिलेबस को कवर किया जाएगा जो हर एक एग्जामिनेशन के लिए फ्रूटफुल है। रीजनिंग में आपको दीपक सर पूरी की पूरी वर्बल, नॉन वर्बल एंड लॉजिकल पूरी रीजनिंग पढ़ाने वाले हैं टॉप 19 टॉपिक्स के साथ, जो आपके 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स को स्कोर करने में हेल्पफुल होगा। तो ये हो गई सारे के सारे सब्जेक्ट्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन। सब्सक्रिप्शन लेना कैसे है, आगे का प्रोसेस आपको भुवेश सर बता रहे हैं, तो बड़े ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स को, कैसे प्रोसेस है, क्या प्रोसेस जिसके थ्रू आप इस बैच को अवेल कर सकते हैं। ओवर टू यू भुवेश सर। आपको करना क्या है, सबसे पहले अनअकैडमी लर्निंग ऐप है जो कि आपको डाउनलोड करनी है। अगर आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं कर रखी है तो कर लेना, एक बार आगे कर दीजिए साइंस सर। हाँ, ये देखिए आप यहाँ पे अनअकैडमी लर्निंग ऐप आपको डालना है गूगल प्ले स्टोर पे या जो भी आपके पास मोबाइल है उसके अंदर, उसके बाद उसको ओपन कर लो। ओपन करने के बाद में आपको अपना गोल सेलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे कि अपन यहाँ पे जो क्लियर करना चाह रहे हैं वो एसएससी एग्जाम क्लियर करना चाह रहे हैं, पहले तो ओटीपी डाल के एंटर कर लेना, उसके बाद में यहाँ पे एसएससी एग्जाम जो है वो सेलेक्ट कर लेना अपने गोल के अंदर। फिर उसके बाद में गेट सब्सक्रिप्शन के ऊपर चले जाना क्योंकि आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, 6 महीने, 12 महीने का, 24 महीने का, ऐसे ऑप्शन आएगा। तो अगर आप स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर हो तो आप 24 महीने का लीजिए ताकि आपको 2 साल तक के लिए बढ़िया तैयारी जो कि आप अपनी कर सके, कभी भी टेस्ट सीरीज का, किसी भी टॉपिक का, कोई भी किसी भी चीज का कोई आपको लोड ही ना रहे। और अगर आपने दोस्तों कॉलेज कर लिया है तो आप 1 साल का ले लीजिए, 500 रुपए पर मंथ पड़ेगा और 24 महीने का मात्र 300 रुपए पर मंथ, ठीक है गाइस। इसके अंदर भी अगर आप रेफरल कोड डालते हैं वाईफाई एसएससी, आप देख सकते हैं वाईफाई एसएससी, तो ये डालते अगर आप अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं जो 500 रुपए था वो 450 हो गया है और जो 300 था वो घटके 270 है जो कि हो गया है। तो इस तरीके से दोस्तों आपके 250-500 रुपए के अंदर आप अपनी बढ़िया तैयारी कर सकते हैं। नीचे एसएससी आईएफएससी रेफरल कोड अप्लाइड लिखा हुआ जाएगा, लिखा हुआ है इसका मतलब अप्लाई हो चुका है, वरना आईएफएससी एक बार चेक कर लेना सही तो लिखा था, उसके बाद कन्फर्म कर दीजिए। कन्फर्म करने के बाद आप पेमेंट कर सकते हैं, ओके, और आप अपनी बढ़िया तैयारी जो है वो घर बैठ के कर सकते हैं। दीपक सर की जो क्लास होती है वो सुबह 8 बजे होती है, जान लो कौन सी क्लास कब होती है, रीजनिंग की होती है सुबह 8 बजे, मेरी होती है सुबह 9 बजे क्लास, ठीक है, जीके की। उसके बाद में साइंस सर की होती है दोस्तों शाम में 4 बजे और संदीप सर की जो क्लास होती है वो होती है रात को 9 बजे, ठीक है गाइस। 4 से 5 हो गई मैथ की और रात को 9 बजे हो गई इंग्लिश की क्लास। तो ये चारों क्लास का टाइमिंग है। इसके अलावा आप इंडिया में किसी भी एजुकेटर से और भी पढ़ना चाहते हैं, जैसे कि नमन सर हो गए, अपने हितेश सर हो गए, या फिर अपने हर्ष सर हो गए, अंकित सर हो गए, किसी से भी आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सबकी क्लासेस आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये पूरा का पूरा प्रोसीजर है, स्क्रीनशॉट ले लेना
वाईफाई से रैपिड फोन लगा देना, मजा आ जाएगा आपको ज्वाइन करके दोस्तों प्रिपरेशन करने में। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया जा रहा है फाउंडेशन कोर्स। ठीक है, चलिए, थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।